इस धार्मिक कार्यक्रम के प्रायोजक हैं प्रवेश मनोहर जैन साधना केंद्र चीका कैथल, प्रधान प्रेम बंसल, कैशियर दीपक बंसल। चल उड़ जा रे पंछी कि अब ये देश हुआ बेगाना, चल उड़ जा रे पंछी कि अब ये देश हुआ बेगाना। खत्म हुए दिन उस डाली के जिस पे तेरा बसेरा था, खत्म हुए दिन उस डाली के जिस पे तेरा बसेरा था, आज यहाँ और कल वहाँ पे जोगी वाला फेरा था। सदा रहा है इस दुनिया में किसका पानी दाना, चल उड़ जा रे पंछी कि अब ये देश हुआ बेगाना, चल उड़ जा रे पंछी कि अब ये देश हुआ बेगाना। तूने तिनका चुन के नगरी एक बसाई, तूने तिनका चुन के नगरी एक बसाई, बारिश में तेरी भीगी पाके धूप में गर्मी खाई, बारिश में तेरी भीगी पाके धूप में गर्मी खाई। गम न कर जो तेरी मेहनत तेरे काम ना आई, गम न कर जो तेरी मेहनत तेरे काम ना आई, अच्छा है कुछ ले जाने से देकर ही कुछ जाना, चल उड़ जा रे पंछी कि अब ये देश हुआ बेगाना, चल उड़ जा रे पंछी कि अब ये देश हुआ बेगाना। है वो पंख पखेरू साथ तेरे जो खेले, रोते हैं वो पंख पखेरू साथ तेरे जो खेले, जिनके साथ लगाए तूने अरमानों के मेले, जिनके साथ लगाए तूने अरमानों के मेले। भीगी आँखों से ही उनकी आज दुआएं ले ले, भीगी आँखों से ही उनकी आज दुआएं ले ले, पता नहीं फिर इस नगरी में कब हो तेरा आना, चल उड़ जा रे पंछी कि अब ये देश हुआ बेगाना, चल उड़ जा रे पंछी कि अब ये देश हुआ बेगाना। धमो मंगल मुखी थंग अहिंसा संचमो तवो देवा वितंग न मंग संती जस दमे सयामनो, मेरे सिर पर रख दो गुरुवर अपने ये दोनों हाथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, तेरा एहसान होगा मेरा कल्याण होगा। उपस्थित श्रोताओं, माताओं, बहनों, भाइयों, सर्वप्रथम जिन धर्म के 24वें अवतार परम पिता परमात्मा शर्मन भगवान महावीर स्वामी जी के पावन श्री चरणों में अनंता अनंत वंदन करती हूँ, एवं मम गुरानी मैया तप गगन चंद्रिका महासाध्वी श्री विजय श्री जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि वंदन करती हूँ। इन्हीं के श्री चरणों में रहकर इस अलग बुद्धि से जो ग्रहण कर रही हूँ उसी में से कुछ आपके समक्ष सुनाने का प्रयत्न करती हूँ। आज मैं आत्मा चैनल के थ्रू आत्मा के बारे में बताना चाहती हूँ कि आत्मा क्या है। हम सबको पता है कि हमारे अंदर आत्मा है, जिसमें आत्मा नहीं, जिसकी आत्मा चली जाती है उसका शरीर तो वहीं पर ख़त्म हो जाता है, पर हम उस आत्मा का ख्याल नहीं रखते। शरीर भी है
मन भी है और आत्मा भी है, तीनों चीज़ें हैं, पर सबसे ज़्यादा ख्याल हम शरीर का रखते हैं, फिर मन का रखते हैं, पर आत्मा का टाइम आता है तो आत्मा का ख्याल रखते ही नहीं, आत्मा की तरफ हमारा ध्यान ही नहीं जाता, आत्मा के लिए हम सोचते ही नहीं, आत्मा का जब करना होता है उसके लिए जागरूक ही नहीं होते, उसके लिए हमारे पास समय ही नहीं होता, सारा का सारा समय हमारा संसार के लिए होता है। पर जो आत्मा, जिस आत्मा ने हमारा बेड़ा पार करना है, जिस आत्मा ने हमें इस संसार से पार लगाना है, उस आत्मा के लिए हम क्या कहते हैं, वी डोंट हैव टाइम, हमारे पास कोई समय ही नहीं है। दुनिया का कोई कार्य करना हो, शरीर के लिए कुछ करना हो, तब ये मन तब ही तैयार हो जाता है, पर जब आत्मा की बारी आती है, जब त्याग करना है, जब तपस्या करनी है, पाठ करना है, पूजा करना है, तभी क्या हो जाता है, मन बदल जाता है, आत्मा के लिए समय ही नहीं मिल पाता। तभी तो ज्ञानियों ने कहा कि जब सत्कर्म की भावना आए, जब सत्संग में जाने की भावना आए, तभी क्या है, चल पड़ो, क्योंकि ये मन बार बार बदल देता है, ये मन एक मिनट भी टिकता नहीं, एक मिनट में ही बदल जाता है। तो ज्ञानियों ने कहा कि जब सत्कर्म करना हो तो क्या करो, एकदम करने लग जाओ, शरीर को भी खिलाते हैं, मन को भी खिलाते हैं, पर एक जो भूखी रहती है वो आत्मा रहती है। हमें अपनी आत्मा को भूखा नहीं रखना। आत्मा किस में खुश रहती है? आत्मा सत्संग से खुश रहती है, आत्मा पूजा पाठ से खुश रहती है, आत्मा ध्यान से खुश रहती है। पर जो आत्मा का खाना है आत्मा को नहीं देते। शरीर जब जब खाने को मांगता है तब तब हम शरीर को देते हैं। मन तो इतना पापी है कि रात सपने में भी टिकता नहीं, वो तो सपने में भी नाचता रहता है। पर जो आत्मा है, जो वास्तविक है, जो प्योर है, जो गॉड है, वही तो आत्मा है, उसकी तरफ भी तो हमारा ध्यान होना चाहिए। फूड फॉर आर बॉडी इज नॉट इनफ, वी शुड गिव द फूड फॉर आर सॉल ऑल्सो। आत्मा के लिए भी फूड तैयार रखना चाहिए, आत्मा को भी फूड देना चाहिए। पर जागते कहाँ हैं, होश कहाँ आती है, जब उम्र बीत जाती है बुढ़ापे में जाकर आत्मा याद आती है, जब परिवार बिछड़ जाता है, जब ये शरीर साथ छोड़ देता है, फिर परमात्मा याद आता है, फिर भगवान याद आते हैं कि हे परमात्मा तू ही सच्चा है। जब एक इंसान मरता है तब क्या कहते हैं, राम नाम सत है, मीन्स गॉड इज ट्रुथ, भगवान ही सच है। पर जब जीते हैं तब क्या कहते हैं, द वर्ल्ड इज ट्रुथ, ये संसार ही सच्चा है, परमात्मा तो कुछ है ही नहीं। मरने वाले को किसको सुनाते हम राम नाम सत है, मरना वाला तो चला गया, सुनाते किसको हैं, जो और लोग साथ चल रहे हैं उनको सुनाते हैं कि राम नाम क्या है, सत्य है, परमात्मा का नाम लो। पर तब भी इंसान को होश नहीं आती। भगवान ने कहा, हे साधक, जन्म मरण का दुख सबसे बड़ा दुख है, इस दुख से छूट जा, इससे परे हो जा। जब बच्चे का जन्म होता है या तो वो माँ वेदना जानती है और या वो बच्चा जानता है, और जब एक आदमी संसार से जाता है, कोई पुण्यशाली आत्मा होगी, कोई भाग्यशाली आत्मा होगी जो एक मिनट में संसार से चला जाता है, पर बहुत कम लोग हैं। कहा है
कि जब हम मरते हैं शरीर में से एक एक रोम में से हमारे प्राण निकलते हैं। तभी तो परमात्मा भगवान महावीर ने कहा कि जन्म और मरण का सबसे बड़ा दुख है, इस दुख से बच जाओ। पर इस दुख से कैसे बचा जाएगा? जब तक हम जागरूक नहीं होंगे, जब तक हम अपनी आत्मा के लिए कुछ नहीं करेंगे, तब तक हमारा बेड़ा पार होने वाला नहीं है। संसार के लिए करोगे, संसार के लिए इकट्ठा करोगे तो संसार में ही रह जाएगा। शरीर के लिए कुछ भी इकट्ठा करेंगे, ये शरीर भी यहीं रह जाएगा। पर जो भी परोपकार, दया, करुणा, भावना, अच्छी चीज़ें हम करते हैं, वो कहाँ जाता है? वो हमारे साथ जाता है। वो हमारे, हमारा शरीर यहाँ, मन यहाँ, पर जो सच्ची जो फ्रेंड है वो कहाँ है? हमारी आत्मा कहाँ है? स्टॉप सर्चिंग आउटसाइड, डोंट सर्च हैप्पीनेस आउटसाइड। वेयर इज हैप्पीनेस? इट्स विद इन यू। ये हैप्पीनेस, ये खुशियाँ, वो कहाँ है? वो परमात्मा, वेयर इज गॉड? गॉड कहाँ है? गॉड इट्स इन आर हार्ट। गॉड हमारे भीतर है, हमारे दिल में है, हमारी अंतर आत्मा में है। भगवान को बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं। कहा है कोई मंदिर में ढूंढ रहा है, कोई मस्जिद में ढूंढ रहा है। बाहर की तरफ देखने वाले बाहर क्या देखता है? परमात्मा तुझे अंदर ढूंढ रहा है। बाहर चारों तरफ देख लिया, वहाँ पर वो उसका अस्तित्व नहीं मिलेगा, वहाँ पर भगवान मिलने वाला नहीं है। संत भी तुझे ठग देगा, जो मायावी है वो ठग देगा। ज्योतिष जो वो भी तेरे साथ छलावा कर देगा, परमात्मा के दर्शन कराता हूँ, परमात्मा के दर्शन कर। पर जब तक इन आँखों को बंद नहीं करेगा, तब तक क्या है? उस परमात्मा के दर्शन नहीं होने वाले। खुद को ढूंढना पड़ेगा, खुद के अंदर खोजना पड़ेगा। एक बार एक दोस्त, एक सेठ होता है, वो बाहर जाता है कमाने के लिए और बहुत सारी धन संपत्ति कमा कर लाया। और जैसे ही कमा के लाया, कि जैसे ही वो रिटर्न आ रहा था अपने घर की तरफ, सडनली क्या होता है कि एक चोर उसके साथ लग जाता है। एंड ही शोज दैट ही इज़ अननोन पर्सन, एंड ही शोज हिम दैट ही इज़ वेरी ऑनेस्ट, बट ही वॉज नॉट ऑनेस्ट। वो ऑनेस्ट नहीं था, वो सच्चा नहीं था। उसने कहा कि मैं भी क्या है, भगत हूँ, मैं भी परमात्मा का नाम लेता हूँ और आपके साथ जहाँ आप जा रहे हो वहीं मुझे जाना है, जहाँ आपकी डेस्टिनेशन है वहीं पर मेरा है। दोनों चलते गए। रोजाना चोर उसकी तरफ ढूंढता, कहीं इसके यहाँ पर माल तो नहीं छुपा हुआ। चारों तरफ उसको पता था किसके पास माल है, बट ढूंढता उसको ही था। एट द एंड ऑफ द डे, लास्ट दिन, चोर ने कहा कि देखो, मैं बहुत बड़ा चोर हूँ, पर मैं समझ नहीं सका। देख, माल तो तेरे पास है, बहुत सारा माल है, पर एक बात बता, तू रखता कहाँ था? उस माल को ढूंढते ढूंढते मेरी आंखें थक गई, पर उस माल को मैं ढूंढ नहीं सका। तो उसने क्या कहा कि मैं पता है क्या करता था, वो माल में कहीं और नहीं रखता था, वो माल में तेरे सिरहाने के नीचे रखता था। देखिए बंधुओं, इस एग्जाम्पल, इस दृष्टांत से क्या मतलब है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? इसका अर्थ है कि हम दूसरों को चेक करने में लगे हैं, दूसरी बाहर की तरफ ढूंढने में लगे हैं, पर जिस दिन अपने आप को देख लिया, अपनी आत्मा की तरफ देख लिया, तब क्या होगा? हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। ब्यूटी इज नॉट इन योर फेस, ब्यूटी इज इन योर हार्ट। खूबसूरती आपकी ब्यूटी नहीं है,
जहाँ पर आपका दिल सच्चा है, ईमानदारी है, आत्मा के लिए कुछ करना चाहते हो, अच्छे विचार आपके हृदय में हैं, आपके दिमाग में अच्छी सोच है, दिल में सबके लिए प्यार है, भावना है, करुणा है, तब क्या होगा? तभी तो आप एक अच्छे पर्सन बन सकते हो। एक अच्छे इंसान की पहचान ही क्या है? उसमें दया होती है, उसमें भावना होती है, वो शांति प्रिय होता है, वो दूसरों को भड़काता नहीं है। यही सब बातें तो एक सच्चे व्यक्ति की निशानी है। सच्चा व्यक्ति कभी भी दोनों तरफ की लड़ाई नहीं करवाता। जो आत्मा के लिए जागरूक है, जो आत्मा को पल पल देख कर चलता है, वो किससे डरता है? वो पाप कर्म से डरता है। तभी तो कहा, यदि पाप कर्म ना है तो परमात्मा और मौत को याद रखो। न परमात्मा याद है और ना ही मौत याद है। कर्मों के झमेले में इंसान झूलता रहता है, नाचता रहता है। तो बंधुओं, संसार के लिए भी आप करते हैं, शरीर के लिए भी आप करते हैं, पर मैं कहूँगी कि आप सिमरन करें। यदि सिमरन करेंगे तो सुमरन होगा। सुमरन मीन्स अच्छा मरण होगा। भगवान का नाम लेते लेते इस संसार से जाएंगे तो किसी बात की चिंता ही नहीं होगी। यू डोंट हैव एनी टेंशन। आपको कोई चिंता रहने वाली नहीं है। पाप ही तो डरता है, जो पल पल पाप करता है। एक बार की बात, एक राजा विदेश गया। उसकी चार पत्नियां थी। चारों पत्नियां, पहली पत्नी राजा को लेटर लिखती है, उसमें कहती है कि राजन मेरे लिए चूड़ियां भेजना, दूसरी कहती है मेरे लिए साड़ी भेजना, और तीसरी कहती है कि हे मेरे स्वामी मेरे लिए गोल्ड भेजना। और जो चौथी थी उसने खाली पत्र लिख दिया। राजा आया, सबसे पहले वाली को चूड़ी दी, दूसरी को साड़ी दी, तीसरी वाली को गहना दी, और चौथे वाली के लिए बहुत सारा सामान ले गया और खुद भी उसके पास चला गया। सब तीनों रानियां हैरान हो गई कि ये क्या राजन, ये क्या किया? हमें तो सिर्फ चूड़ियां, साड़ी और गहनों से ही खत्म कर दिया, रजा दिया। हम कोई संतुष्ट नहीं है। वी आर नॉट सेटिस्फाइड, वी आर नॉट हैप्पी, वी आर नॉट कंटेंट। हम बहुत दुखी हैं। ये तो सरासर पक्षपात है। तो राजा ने कहा, तुमने साड़ी मांगी, तुमने चूड़ी मांगी, तुमने गहने मांगे, सो मैंने तुम्हें दे दिया। बट इसने क्या मांगा? इसने मुझे मांगा। जिसने मुझे मांगा उसकी सारा राज्य ही उसका हो गया, सारी संपत्ति ही उसका हो गया, मैं स्वयं ही उसका हो गया। What is the meaning of this example? Can you tell me? Do you have any answer? If you have answer, please raise your hand. इस दृष्टांत का अर्थ है कि हम शरीर के लिए मांग लेते हैं, मन के लिए मांग लेते हैं, संसार के लिए मांग लेते हैं, पर यदि तू आत्मा के लिए मांग के देख तो क्या होगा? यू विल गेट ऑटोमेटिकली एवरीथिंग, यू विल गेट, सब कुछ तुझे प्राप्त हो जाएगा, तेरे जीवन में संतोष आ जाएगा, हैप्पीनेस आ जाएगी, सब कुछ आ जाएगा। पर उस चौथी पत्नी की तरह कौन बनना चाहता है? सबको तो स्वार्थ है, सबको तो ये है, भगवान का नाम भी तो तभी लेते हैं जब कोई डर हो जीवन में। विद्यार्थी भगवान का नाम कब लेता है? कैन यू टेल मी प्लीज, कब लेता है? वो तभी लेता है जब उसको कहाँ जाना हो, एग्जामिनेशन हॉल में जाना है,
तब वो परमात्मा को याद करता है। पापी परमात्मा का नाम कब लेता है? जब वो जेल में बंधा हो, जेल में कैद हो गया हो। देन ही विल टेक द नेम ऑफ गॉड, तब वो परमात्मा का नाम लेता है। इतना ही नहीं, संत मार्ग को तो छोड़कर कोई सच्चा दुर्लभ ही भगत होगा जो निस्वार्थ अपनी आत्मा के लिए सोचता है, आत्मा के लिए जागता है। पर नहीं तो ऑल आर सेल्फिश, हम सब सेल्फिश हैं। एक बार मछली अपनी माँ को कहती है कि माँ, हम फिश क्यों हैं? वाई वी आर फिश? तो माँ ने कहा कि जो पानी में रहते हैं दे ऑल आर फिश, बट जो अर्थ पे रहते हैं दे ऑल आर सेल्फिश। यानी जो धरती पर रहते हैं वो सब क्या हैं? स्वार्थी हैं, वो सब दूसरों को हड़पने में लगे हैं। विदाउट सेल्फिश, बिना स्वार्थ के तो वो कुछ करने को तैयार ही नहीं। पर फिश ऐसी है जो, जिसको फिश कहा है, जिसमें कोई स्वार्थ ही नहीं। जानवर जगत में भी पाया गया, उनमें कोई स्वार्थ ही नहीं, पर मानव तो कितना स्वार्थी है। तो हमें इन सब बातों को भुलाकर अपनी आत्मा में लगना है। आत्मा चैनल के माध्यम से कहूँगी कि जीवन में मेडिटेशन करें। इफ़ यू हैव टाइम फॉर 5 मिनट्स देन डू फॉर 5 मिनट्स। यदि 5 मिनट के लिए टाइम है तो 5 मिनट के लिए करो, पर करो तो ज़रूर। एक बिगनिंग तो करो, एक शुरुआत तो करो, जीवन को बदलने का प्रयत्न तो करो। 20 साल पहले तो भी हम वैसे ही थे और 20 साल के बाद भी हम वैसे ही हैं। देर इज नो चेंजिंग। कुछ तो बदलाव लाएं, कुछ तो जीवन को बदलें। मनुष्य जीवन पाकर ऐसे ही थोड़ी खो देना है। तो बंधुओं, थोड़ा समझें, थोड़ा जागें, थोड़ा होश में आएं, अपनी आत्मा के लिए कुछ करें। क्योंकि सोल इज प्योर, आर सोल इज आर गॉड। हमारा सोल ही, हमारी आत्मा ही परमात्मा है। भगवान कोई बाहर नहीं, हमारे भीतर बैठा है। बस उसको खोजने का प्रयत्न करें, उसको ढूंढने का प्रयत्न करें। बस अंत में कुछ ना कहती हुई ओम शांति शांति। उठ जाग मेरे चैतन्य प्रभु, तू अजर अमर अविनाशी है। उठ जाग मेरे चैतन्य प्रभु, तू अजर अमर अविनाशी है। मृत्यु का भय क्यों खाता है? तू शाश्वत घर का वासी है। मृत्यु का भय क्यों खाता है? तू शाश्वत घर का वासी है। जो मरता है वह तू नहीं है, जो जन्मा वो भी तू नहीं है। जो मरता है वह तू नहीं है, जो जन्मा वह भी तू नहीं है। पुद्गल का मिलना बिछुड़ना है, तू पुद्गल नहीं अविनाशी है। पुद्गल का मिलना बिछुड़ना है, तू पुद्गल नहीं अविनाशी है। उठ जाग मेरे चैतन्य प्रभु, तू अजर अमर अविनाशी है। ये वरण गंध रस स्पर्श सभी सब तुझ में नहीं पुद्गल में है। ये वरण गंध रस स्पर्श सभी
सब तुझ में नहीं पुद्गल में है और अंधकार भी नहीं तुझ में, तू ज्योतिर्मय अविनाशी है और अंधकार भी नहीं तुझ में, तू ज्योतिर्मय अविनाशी है। उठ जाग मेरे चैतन्य प्रभु, तू अजर अमर अविनाशी है। ये नेत्र तुझे नहीं देख सके, अरूपी अलख निरंजन को। ये नेत्र तुझे नहीं देख सके, अरूपी अलख निरंजन को। मन बुद्धि प्राण भी तू नहीं है, तू निर्विकार अविनाशी है। उठ जाग मेरे चैतन्य प्रभु, तू अजर अमर अविनाशी है। तू एक सदा ज्ञायक ही है, फिर क्यों ममता में मरता है। तू एक सदा ज्ञायक ही है, फिर क्यों ममता में मरता है। मेरे रोम रोम मेरम जाए, नहीं मर सकता अविनाशी है। मेरे रोम रोम मेरम जाए, नहीं मर सकता अविनाशी है। उठ जाग मेरे चैतन्य प्रभु, तू अजर अमर अविनाशी है। आत्म अंतर में आ जाओ, बाहर की दुनिया विसराओ। आत्म अंतर में आ जाओ, बाहर की दुनिया विसराओ। जो है इसमें विष वास करो, तू स्वयं सिद्ध अधिकारी है। जो है इसमें विश्वास करो, तू स्वयं सिद्ध अधिकारी है। उठ जाग मेरे चैतन्य प्रभु, तू अजर अमर अविनाशी है। उठ जाग मेरे